वेलकम इन द बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ासी, डिफरेंस पढ़ासी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है भाई, डेमोंस्ट्रेटिव एंड डिटर्मिनर भी उनको चयो है। ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव जो बिन्हीं जो नालो भी साग्यों है, भाई साग्या भाई फर्क एतरो है, सिर्फ उन्हें यूजेज जो फर्क है। ठीक है, तो इन पाने लैंग्वेज में कि यूज कंदी, इंग्लिश में कि यूज कंदी, सिंधी में कि यूज कंदी, तो लेट्स लर्न इट। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पा पे पढ़ी आया हूँ। देर आर फोर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। पहला जो है नियर जो है उन्हें यूज क्या फार उन यूज नियर मीन्स जो वेझो में दिस एंड दैट दीज दोज ये चार डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन सागे टाइम से पर यूज जो डिफरेंस है। लेट्स डाइव इनटू द डिफरेंसेस। जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में फर्क यो है तो प्रोनाउन जो है हमेशा फॉलोड प्रोनाउन ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रोनाउन के जो हमेशा पान हेल्पिंग वर्ब का पे यूज करना सी, एज अ सब्जेक्ट में यूज करना सी, उनसे अगर कोई भी नाउन वगैरह सी यूज कौन करना सी। सागे टाइम जिदे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करना सी तो उनके एडजेक्टिव जी जो बेसिक रिक्वायरमेंट छ लास्ट टाइम में पान जिदे एडजेक्टिव पढ़ो उन कोई वीडियो में तां दिसी सको था तो लिंक भी मत मौजूद है उनमें एडजेक्टिव पान पूरे डिटेल में पढ़ो है पर इतने डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पान एडजेक्टिव मीन्स वी ऑलवेज यूज विथ नाउन। एडजेक्टिव छा तो करे नाउन के जो है डिफाइन करे तो नाउन के बारे में असिक बुधा तो टेल्स मोर अबाउट द नाउन। ठीक है, इन कर पान डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो नाउन से गड यूज कहीं। लेट्स राइट देयर एग्जाम्पल्स। दिस इज a cat and ite jo this used to hai as a demonstrative pronoun used to hai. theek hai, par ite diso this cat is mine and this cat is this je ko hai as a adjective used to hai, yo noun hai diso ta ite yo as a demonstrative adjective ye use karna asi asi। ठीक है, अजय भी गल समझ में। एंड देन दैट इज आर हाउस दैट इज हेयर इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो लाइकवाइज दैट हाउस इज बिग हाँ इतने ॾिसो दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है, दीज आर माय शूज हाँ जो दीज आर माय शूज दीज जो है प्लूरल है। ठीक है, इन लाइ पान गए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया ये भाई सिंगुलर है इन कर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया है। दीज शूज आर शॉर्ट के हाँ इतने ऐसो दीज इतने यूज कर पा एज ए डेमोंस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव यूज कर छो तो नाउन से गुड यूज थो है। दोज आर फ्रूट्स दोज fruits are delicious and ite diso those fruits are delicious da ite in sangad pan sabni sangad noun sangad use kare par ite diso subject me diso ine jo hi subject thi ve hi helping verb thi ve theek hai and ye jo object thi ve par ine me diso ka basa noun use kon kayo hai ite diso subject
हेल्पिंग वा बैंड ऑब्जेक्ट पर हते दिसो इन सबनी सा गलत सा नाउन यूज कयो आए सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंधी में की इन जो कंदा सी दिसो हन सिंधी जिकरे पण इन जी करू दिस कैट इज माइन ठीक है यो बिल्ली मुंजी आए ठीक है यो बिल्ली तो इतने दिसो यो बिल्ली सागे नमूने जी इंग्लिश में थी जो तो इतने सिंधी में भी यही थी जो पर इतने पान करूं यो एक बिल्ली आए तो इतने दिसो यो आए पर उनसे आप पहले हिक लगे जो ठीक है ये ऐसा सब्जेक्ट थी वो ये ऑब्जेक्ट थी वो आई यो ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब थी वो पर इतने दिसो इतने यो पूरा ऐसा जो सब्जेक्ट था आई यो ऐसा जो ऑब्जेक्ट था आई यो ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब आए तो जैसे सिंधी में बस अगर सेंटेंस के लिए अच्छी बनी तो डिफरेंस असी ये करना असी ठीक है लेट्स मेक अनदर सेंटेंस दिस इज आवर हाउस यो असा जो घर आहे हाँ यो असा जो घर आए दिसो तो इतने यो असा जो सब्जेक्ट थी वो असा जो घर यो असा जो ऑब्जेक्ट थी वो ठीक है हाँ ये असा की खबर पई तो इतने देखो असा जो घर जो घर हो तो असि डेमोंस्ट्रेटिव जो है उनमें दे छो एडजेक्टिव में दे छो असा जो हेल्पिंग वर्ब थी वो ठीक इतने सागे नाम इन जो क्यों पान यो घर ठीक है यो घर वदो आहे इतने देखो यो सब्जेक्ट थी वो यो घर ठीक है यो असा जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैम असा एडजेक्टिव यूज कर यो असा जो हेल्पिंग वर्ब थी वो ठीक है दीज आर माय शूज ये मुंजा बूट आहिन ये मुंजा बूट आहिन ठीक है तो यो असा जो सब्जेक्ट थी वो यो असा जो ऑब्जेक्ट थी वो यो असा जो हेल्पिंग वर्ब थी वो ठीक ये फ्रूट दीज आर फ्रूट्स दोज आर फ्रूट्स ठीक है वे मेवा आहिन तो देखो ये असा जो सब ऑब्जेक्ट थी वो ये असा जो सब्जेक्ट थी वो ये असा जो हेल्पिंग वर्ब थी सिंधी में सी ये करना सी लास्ट सेंटेंस इतना हम करे बैठो वालो दोज फ्रूट्स आर डिलीशियस ठीक है वे मेवा जायकेदार आहिन ठीक है तो इतने दिसो उहे मेवा जायकेदार आहिन इतने असो यो इं थो तो यो फर्क आया सिंधी टू इंग्लिश कंदासी या इंग्लिश टू इंग्लिश कंदासी।